when your shampoo says damage control, but deep down you're still broken. Here you go. Cute. Achha ji. Okay. When you Achha, forgot... Isko hum dobara use nahin kar sakte. Kar sakte, kar sakte, kar sakte. When you forgot to turn on your Wi-Fi and realize you just used all your monthly data in the first week. This one. ठीक है जब आपकी मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर और कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपकी मीटिंग 20 मिनट एक्सटेंड हो जाए. That's fine. ठीक है जब आप कोई ग्रुप चैट में मैसेज करती हो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता. फ्लैट. व्हेन योर फोन बैटरी सेज 15% और अगले 30 सेकंड्स में खत्म हो जाती है. ये फोन के लिए. फोन के लिए है. ठीक. व्हेन यू आर हैंगिंग आउट विद अ कपल और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है. व्हेन यू रियलाइज इवन योर एंजाइटीज हैव एंजाइटीज. व्हेन आई विल सी मायसेल्फ इन मिरर. वेरी एप्रोप्रिएट. अच्छा. व्हेन यू मैड एट समवन लेकिन फिर वो आपसे पूछते हैं कि कुछ खाओगी. नहीं भाई तू रहने दे. अच्छा जब आप दो दोस्तों को मिलाएं पहली बार उनको एक दूसरे से मिलवाएं और वो हैंग आउट करना शुरू हो जाए आपको छोड़ के. तो मैं भी उनको ज्वाइन करूंगी. ठीक है. लास्ट वन. व्हेन यू शो समवन अ मीम यू लाफ रियली हार्ड एट और उनको वो फनी ना लगे. This one. Well done. आपने बड़ी अच्छी गेम खेली यार. दोनों गेम्स बहुत अच्छी खेली. उमेरा थैंक यू सो मच आप मेरे शो पे आई. अनफॉर्चुनेटली अब शो को इख्तिताम करने का मौका आ गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें. जी जरूर. और जाने से पहले अगर कोई मैसेज है जो आप अपने व्यूवर्स तक पहुँचाना चाहें तो प्लीज दिस कैमरा इज ऑल योर्स. हाँ जरूर. बस मैं पहले तो मैं आपका हसन और आपकी पूरी टीम का आपके चैनल का बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने इतने खूबसूरत शो में मुझे टाइम दिया और मुझे बुलाया एज अ गेस्ट. दूसरा ये कि जो मेरे ऑडियंस हैं जो मेरे फैंस हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज बस मैं ये देना चाहूँगी कि अपने गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें और ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी. दूसरा ये कि जानवर जो हैं उनके साथ मैंने देखा है कि राह चलते उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है. बहुत एक मासूम सी एक मखलूक है उनके साथ आप जितना यानी काइंड रह सकें जितना उनका आप लोग ख्याल रख सकें अपने एरिया में अपने जो भी होते हैं मतलब उनके लिए आप कुछ करें. और दूसरा ये कि अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें. अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलें जो भी आपकी फील्ड है जो भी आपका पेशा है लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. वेल डन. सच अ स्वीट मैसेज. थैंक यू सो मच वंस अगेन हुमैरा.